गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, थोड़ा आज फिर स्वागत है दूजी क्लास दे विच साडे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कंपटीशन वॉरियर बठिंडा ते। कल अपनी क्लास लगी सीगी, एक टॉपिक आपां कल कंप्लीट कीता सीगा, टॉपिक सीगा पार्टनरशिप। उम्मीद करदा हां तुसीं रिवीजन कर रहे होंगे। अज अपनी सैकंड क्लास है, टॉपिक का नाम है एज प्रॉब्लम। उम्र वाले सवाल पूछे जाते पेपर दे विच, उहदे भी वक्खरे वक्खरे टाइप्स ने। अज मैं सारे मिक्स लैके आया, सारे टाइप्स मिक्स करती हाँ। 20 to 25 क्वेश्चन अज आपां करांगे ते उन्हां दे विच लगभग जिन्नियां भी टाइप एग्जाम दे विच पुछियां जांदियां ने उह सारियां सारियां अज कराऊंगा। ध्यान नाल कंसैप्ट समझो पहलां ते फिर तुहाडे सारे सवाल जिन्नी प्रैक्टिस कर सकदे आ करियो। आओ सुन, शुरू करदे आपां क्लास। अज अपनी सैकंड क्लास है, क्लास 2 एज प्रॉब्लम, उम्र वाले सवाल जिहड़े कि बेस ने रेशो ते। कल भी आपां टॉपिक कीता सी, उह भी रेशो बेस सीगा। अज वाला टॉपिक भी की है, रेशो बेस है। कल आप जी क्लास लावे, कल की क्लास भी दस दिना मैं, कल की क्लास ही आप टॉपिक रेशो की लावे, वो भी पेपर से 1 to 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं। आप शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो पहला, सारे क्वेश्चन की है। क्वेश्चन ध्यान नाल पढ़िया करो सारे बच्चे, जिन्नी चेर अपन क्वेश्चन की समझ नहीं होगी अपन नहीं पता लगना उन्हें पूछा की है। फर्स्ट क्वेश्चन में यह है, बिफोर 7 ईयर्स द रेशो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी वाज 3:4। अज तो 7 साल पहला ए अते बी दी उम्र दा अनुपात कितना सी? 3:4 सी। 9 साल बाद उन्हां दी उम्र दा अनुपात 7:8 होवेगा। मौजूदा उम्र भी मीनस ए दी सॉरी बी की जिनी मौजूदा उम्र है प्रेजेंट एज है बी की, वह आप पता करनी है कि अज बी किन्ने साल का है। शुरू करते हैं सवाल नू। इहनू करन दा तरीका देख लो किवें करना हुंदा है। एक गल मेरे ध्यान रखियो, ऑप्शन नाल भी आपां सवाल कर सकते हैं। ये जिहड़े स्टूडेंट्स ऑप्शन नाल करदे ऑप्शन नाल कर सकते हैं, जिहड़े कंसैप्ट नाल करदे है कंसैप्ट नाल कर सकते हैं। कंसैप्ट की है? कंसैप्ट यह है कि 7 साल पहला, एक तो आपां नू उन्हां दीआं उमरां दा अनुपात देता 7 साल पहला दा, एक देता 9 साल बाद दा, ते पुछी हुई है प्रेजेंट एज। जे मेरी प्रेजेंट एज, अज मैं प्रेजेंट इत्थे पी पा लैना, जे अज मैं पी हाँ, मेरी प्रेजेंट एज पी है, मैं प्रेजेंट हैगा, रेशो मैनूं नहीं पता की हैगी है, 7 साल पहला, तां जे आपां प्रेजेंट तों 7 साल पहला जाणा है तां इत्थे पहला जाणा है, पिछे जाया करो, पिछे जाणा तां अगे जाणा उहदे अगे जाया करो। 7 साल पहला पी मेरा किनू डिनोट कर रहा? प्रेजेंट नू, अज नू, वर्तमान नू। बिफोर 7 साल द रेशो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी वाज 3:4। 7 साल पहला उन्हां दा अनुपात सीगा 3:4। आफ्टर 9 ईयर्स, हुण 9 साल बाद क्या है? तो प्रेजेंट आपां जे इत्थे हैगे आ, 9 साल बाद आपां अगे जावांगे, अगे जावांगे मीनस प्लस 9। 9 साल बाद उन्हां दा अनुपात किन्ना हो जूगा? 7:8 हो जाएगा। 7:8 किन्ना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। आपां दसना है बी दी मौजूदा उम्र किन्नी है, इत्थे ए भी लिख लो ते बी भी लिख लो। आ रेशो जिहड़ी ए बी दी हैगी सी उह कदों सी? 7 साल पहला दी सी। जिहड़ी आ रेशो हैगी 9 साल बाद दी सी। तां देखिया करो वी टोटल किन्ने सालां दा फर्क पै गया इस रेशो तों उस रेशो ते जाण वास्ते, आपां नूं किन्ने सालां दा फर्क पऊगा? तो 7 साल आप इतने आवेंगे, 9 साल आप अगे जावे, तो मतलब इस रेशो तो वह रेशो बन लग गया। किन्ने साल टोटल लग गए? 9 ते 7 16 साल मेरे की है टोटल लग गए। हुण देखो रेशो ध्यान नाल, ये रेशो दो तरह आऊगी अपने मूल, एक तो आ इस टाइप की रेशो आऊगी। इस टाइप के दो टाइप के सवाल होंगे है, एक रेशो अपने को इस तरह आऊगी। आ रेशो जे आज तो बड़ी वधिया रेशो है। क्यों मैं वधिया कह रहा? क्योंकि देखो डिफरेंस बराबर है। जे इत्थे डिफरेंस किन्ने दा है? 1 दा। इत्थे भी डिफरेंस किन्ने दा है? 1 दा। जे आ 3 to 4 हो रहा, वह की हो रहा? 7 to 8 हो रहा। दूजी गल की देखनी हुंदी है भी 3 to किन्ना होया? 7 होया। किन्ने वध्या? 4 वध्या। आ भी 4 to किन्ना होया? 8 होया। किन्ने वध्या? 4 वध्या। तो फिर अपनी 1 यूनिट की वैल्यू पता लगी जाती है। जे आ 3 to 7 हो रहा मीनस 4 यूनिट वध रहा है। किन्ने यूनिट वध रहा है? 4 यूनिट वध रहा है। ये 4 यूनिटा का जो फर्क है वह कि करके पिया? वह पिया 16 साल करके। एदा मतलब 4 यूनिटा की वैल्यू किन्नी हैगी है? 16 हैगी है। जे 4 यूनिट की वैल्यू 16 है तो 1 यूनिट की वैल्यू किन्नी आ जूगी?
एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 16 बटा 4 मीनस एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। 4 यूनिट की वैल्यू 16 तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी 4। हुण जे एक यूनिट की वैल्यू 4 है तो भावें आ रेशो नाल एज कढ लो ते भावें आ रेशो नाल एज कढ लो, जे एक यूनिट की वैल्यू 4 है तो एदा मतलब की है, एदा मतलब ये है कि ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4 ਹੈ ਤਾਂ 4 ਤੇ 12 ਮੀਨਸ ਆ ਆ ਗਿਆ ਇਹ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ B ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆ ਗਿਆ 16 ਸਾਲ ਦਾ। ਕਦੋਂ ਆਇਆ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ B ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਉਮਰ। ਜੇ B 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਜੋੜਾਂਗੇ 16 ਤੇ 7 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 23 ਮੀਨਸ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਊਗਾ B 23 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਆ ਜਾਊਗਾ D। एक बार फिर देखो सवाल नूं, सवाल च की क्या होया सीगा वी ए दी ए अते बी दा अनुपात 7 साल पहला किन्ने दा सी 3:4 दा अते 9 सालां बाद अनुपात किन्ना सी 7:8। आपां एक गल चैक कीती आ 3 तों जे 4 वधिया 7 होया आ 4 तों 8 मतलब 4 ए वी वधिया दोनों 4-4 वधी जांदे आ। इधर जे 4 दा इंक्रीमेंट है तां सालां विच किन्ने दा इंक्रीमेंट है मीनस कहण दा मेरा ए है वी आ रेशो इतने आके 7-8 हुई है तो किन्ने साल बाद हुई है 7 पिछले 9 अगले मीन 16 साल बाद हुई है। जो 16 साल बाद हुई है तो इतों यूनिट कितना वधिया 3 तो कितना यूनिट होया 7 यूनिट होया मीनस 4 यूनिट का इंक्रीमेंट होया। जो 4 यूनिट का इंक्रीमेंट 16 साल के बराबर है तो 1 यूनिट का इंक्रीमेंट कितने साल के बराबर है 4। 1 की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। जो 1 की वैल्यू 4 आ गई तो 3 की वैल्यू 12 आ गई 4 की वैल्यू 16 आ गई। मतलब जो B सीगा वो अपना 7 साल पहला 16 साल सी। पूछा की है द प्रेजेंट एज ऑफ बी, बी की अज उम्र कितनी है। जे 7 साल पहला 16 सी 16 में 7 ऐड कर देंगे मीन अज कितने साल का 23 साल का। इतों भी कट सकते सी देखो जे 7 है 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 28 है, इतने 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 32 है। ये की सीगा 9 साल बाद जे तुसी 32 चो 9 कटाओगे ना आ जाऊगा फिर तुहाडा किन्ना आ जाऊगा 23 आ जाऊगा। ਇਧਰੋਂ ਕੱਢਣਾ ਇਧਰੋਂ ਕੱਢ ਲਓ ਇਧਰੋਂ ਕੱਢਣਾ ਇਧਰੋਂ ਕੱਢ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏ ਦੀ ਪੁੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਦੀ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਜੋੜ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਜ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇੱਕ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ, 3-4 ਸਵਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਲੈਵਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਸਵਾਲ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਉਮਰ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਘਟਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਨੂੰ 14 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪੋਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਉਮਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਤੋਂ 9 ਸਾਲ ਛੋਟਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 14 ਸਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਉਮਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਊਂਗਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਨ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਰਾਜਨ ਦੀ ਉਮਰ, ਮੈਂ ਰਾਜਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਰਾਜਨ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਆਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਰਾਜਨ ਦੀ ਉਮਰ ਚੋਂ 10 ਸਾਲ ਘਟਾ ਦਿਓ। ਰਾਜਨ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ, 10 ਸਾਲ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ 14 ਨਾਲ। ਰਾਜਨ ਦੀ ਉਮਰ ਚੋਂ 10 ਸਾਲ ਘਟਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ 14 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੀ ਉਮਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਮਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਪੋਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਉਮਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਸ਼ਾਮ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਸ਼ਾਮ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਰਾਜਨ ਦੀ ਉਮਰ ਚੋਂ 10 ਸਾਲ ਘਟਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਦਿੱਤਾ 14 ਨਾਲ ਭਾਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਉਮਰ ਆ ਗਈ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਉਮਰ ਆ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਦੱਸਣੀ ਕਿਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਰਾਜਨ ਦੀ ਉਮਰ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰੂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਕੌਣ ਹੈ, ਰਾਜਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਠੀਕ। ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਤੋਂ 9 ਸਾਲ ਛੋਟਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਉਮਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗੀ, ਸ਼ਾਮ ਛੋਟਾ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 14 ਸਾਲ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੇ ਸੁੰਦਰ ਦੀ ਉਮਰ 14 ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ, ਸੁੰਦਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 14 ਸਾਲ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਛੋਟਾ, ਸ਼ਾਮ ਛੋਟਾ ਉਸ ਤੋਂ 9 ਸਾਲ। ਜੇ ਸੁੰਦਰ ਦੀ ਉਮਰ 14 ਸਾਲ, ਸ਼ਾਮ ਛੋਟਾ ਉਸ ਤੋਂ 9 ਸਾਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 14-9 5 ਸਾਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ, 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੁੰਦਰ ਨਾਲ, ਸੁੰਦਰ ਦੀ ਉਮਰ
14 साल अकीदी उम्र सुंदर दी उम्र सुंदर दी उम्र 14 साल आज दी गल कर रहा है। शाम उस तो 9 साल छोटा, जे शाम 9 साल छोटा सुंदर दी उम्र चो 9 साल कटाए की दी उम्र आ गई शाम दी। एदा मतलब शाम किन्ने सालां दा 5 सालां दा। जे शाम 5 सालां दा आपा दसना कौन है राजन है, बस इत्थे शाम दी वैल्यू पुट करो। शाम दी उम्र किन्नी आई है 5 साल, इत्थे मैं 5 पुट करदा आर मेरा उम्मीदवें 10 मेरा उम्मीदवें इतने मेरा कि आ गया 14 आ गया। हूँ एक गल थो पता होगी भी जो आ नंबर इधर डिवाइड हों इक्वल टू परले पास जाके होगा मल्टीप्लाई होगा आर माइनस 10 इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई 5 कि आ गया 70 आ गया। 10 उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 जोड़ा और दादे की उम्र कि आ गई आर मैं मनिया कि राजन तो राजन की उम्र कि आ गई मेरे को 80 साल ऑप्शन आ गई अपनी सी। ठीक है स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन से चलते हैं, पढ़ लो फिर अगला क्वेश्चन की है। अगले क्वेश्चन में यह क्या होया है भी ए दी मौजूदा उम्र 6 साल बाद बी दी उम्र नालों 4 साल बाद है। बिल्कुल सौखा जा क्वेश्चन है, सिर्फ जिहड़ी उन्हें लैंग्वेज दिती हुई है उस लैंग्वेज नूं समझना आपां, होर सवाल विच कुछ भी है नहीं गा। जे तुसी उहदी दसी हुई गल समझ गए भी वह कह की रहा है, बस इहदे विच आही देखना जो वो कह रहा है आपां उहदी गल जे समझ गए तो आंसर अपना आ गया। वह कहिंदा ए दी मौजूदा उम्र मीनस ए दी अज जिन्नी उम्र है, ए दी जिन्नी उम्र अज है ए दी मौजूदा उम्र 6 साल बाद बी दी उम्र, जिन्नी उम्र बी दी 6 साल बाद होगी उस तो ए दी उम्र अज 4 वध है। ए अते बी दी मौजूदा उम्र का जोड़ 70 साल है तो बी दी मौजूदा उम्र की है। एज प्रेजेंट एज इज 4 ईयर्स मोर दैन बीज एज आफ्टर 6 ईयर, मतलब बी दी एज जिन्नी 6 साल बाद होगी ए दी एज उन्नी अज उस तो 4 साल उस तो वध है जिन्नी एज बी दी अज तो 6 साल बाद होगी। तो सोच के देखो कोई मर्जी ले लो, मान लो ए अज किन्ने सालां दा है कुछ मर्जी मान लो, जे ए अज हैगा 20 सालां दा, जे ए 20 सालां दा हैगा तो 6 साल का वह वध हैगा इहदे विच, क्योंकि जिहड़ा बी है बी दी उम्र जिन्नी 6 सालां बाद होगी इहदी किन्नी वध हैगी है 4 वध है। इहदा मतलब बी 6 सालां बाद आपां मन के चलने किन्ने साल दा बनूगा 16 सालां दा, बी 6 सालां बाद 16 सालों का ताई 4 वध बनती पई है। आ बी की उम्र 6 साल बाद दी आ ए दी मौजूदा उम्र आही आपां नूं कहा सीगा भी ए दी उम्र बी दी उम्र तो 4 साल वध है, बट कदों दी उहदे 6 साल बाद दी, जे उहदी 6 साल बाद 16 साल दी है तो अज किन्नी होगी उहदी 10 साल दी। अज जे बी 10 साल दा होगा प्रेजेंट च तो 6 साल बाद किन्ने दा होगा 16 दा, जे बी 6 साल बाद 16 दा होगा तो ए उहदी 6 साल दी उम्र तो 4 साल अज ही वध है, इहदा मतलब किन्ना वध है 4 होर वध है तो 20 हो गया। इहदा मतलब अज प्रेजेंट दे विच उहनां दा किन्ने दा डिफरेंस है 10 सालां दा डिफरेंस है। इह सिर्फ तुहानूं समझाउण वास्ते लिखिआ सी वी अज जिहड़ा ए हैगा बी तो किन्ने साल वध होगा 10 साल वध होगा। जे तुहानूं इह पता लग गया वी ए अज बी तो 10 साल वध है, बस फिर कुछ नहीं करना, फिर आपां नूं की क्या होया फिर क्या होया भी उन्हां दी मौजूदा उम्र का जोड़ कितना है 70 साल है, तो मान लो मेरे को आ गया ए आ गया बी, जे बी अज मेरा एक्स है तो मैं पता आ किन्ने साल वध है उस तो 10 साल वध है, दोवां नूं जोड़ के 70 के बराबर रख दूंगा मेरा आंसर आ जाऊगा एक्स प्लस 10 प्लस एक्स दोवां का जोड़ कितना मेरे को 70 है, एक्स ते एक्स 2x 10 मेरा जाके की होया माइनस होया मतलब की आया 60, x दी वैल्यू किन्नी आ गई मेरे कोले की आ गई x ही पूछा सी b किन्ने सालां दा है तां b 30 सालां दा, जोड़ के उन्हों 70 दे बराबर रखियो। आ पूछा सी इहनूं मैं की मान लिया x मान लिया वह 10 साल ज्यादा सीगा, x 10 दे विच आ जोड़िया x ते x मेरे 2x होए 10 इधर आके की माइनस होया 2 मैं भाग कीता किन्ना आ गया 30, आही पूछा सी b दी उम्र किन्नी होगी अज तां b दी उम्र किन्नी होगी मेरी 30 साल। अगला क्वेश्चन देखते हैं की है लेवल का, फिर क्वेश्चन काफ़ी वड्डा कई स्टूडेंट्स वड्डा क्वेश्चन देख के ही डर जाते एडा वड्डा क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन में कुछ भी है नहीं गा ध्यान नाल देखो क्वेश्चन है कि पढ़िया करो आराम नाल पहला क्वेश्चन नूं, रवि का भरा उस तो 3 साल वड्डा है, लिख लो इनू जे अपने को आ रवि है तो भरा जिहड़ा है गया उपर आ गया उहदा रवि का ब्रदर, रवि का ब्रदर उस तो किन्ने साल वड्डा है 3 साल वड्डा, प्लस 3 मैं पाया रवि थले पाया ब्रदर उत्ते पाया इहदा मतलब है ब्रदर वड्डा रवि नालों किन्ने साल 3 साल, रवि का भरा उस तो 3 साल वड्डा है
उसके पिता की उम्र 28 साल से जो उसकी भैन का जन्म होया सी। हुण आपां नूं नहीं पता भी उसकी भैन का जन्म कदों होया सी। देखो हुण फादर ते भैन नूं लिंक कर रहा, दोवें छड़ दिओ एक बारी, क्योंकि इन्हां दोवां नाल कोई नहीं जोड़ रहा। ठीक, वह लाइन एक बार छड़ दिया करो, जो आप जो चीज लिखी हो उसनों एक बार छड़ दिया करो। क्यों? क्योंकि हुण उन्हें आपां नूं अगले लाइन में भैन का रिलेशन किहदे नाल दिता है, फादर के नाल। इन्हां दोवां की भैन है ते नाल फादर है, उन्होंने दोवों का रिलेशन दिता होया, उन्होंने दोवों की एज के रिलेशन दिता होया, वो आप एक बार छड़ देंगे। अगे देखते हैं, फादर की उम्र 28 साल से उसकी भैन का जन्म होया, जदों की उसकी माँ 26 साल की सी कि जो उसका जन्म होया। उसका मतलब की था, उसका कि गल कर रहा है, रवि की गल कर रहा है। जदों रवि का जन्म होया सी, उसकी मदर की उम्र 26 साल से, मतलब रवि की मदर मीनस एदी की मदर। ठीक, उन्हों की मदर उदो 26 साल की सी जो रवि का जन्म होया सी। जो रवि का जन्म होया सी, मां की उम्र 26 साल सी। जेकर उसके भरा के जन्म समय उसकी भैन 4 साल की सी। देखो हुण इत्थों आपां भैन ते भरा का रिलेशन देखांगे, पिछले तो आपां नहीं पता लगना सी, पर हुण पता लग गया। जेकर उसके भरा के जन्म समय उसकी भैन 4 साल सी, मतलब जदों उसके ब्रदर का जन्म होया सी, तो उसकी जिहड़ी सिस्टर है वो किन्ने साल की सी? 4 साल की सी। मीनस कहण दा वी उसकी सिस्टर उस तो किन्ने साल वड्डी है? 4 साल वड्डी है। जो ब्रदर का जन्म होया सी, सिस्टर 4 साल की सी, इहदा मतलब उसकी सिस्टर उस तो किन्ने साल वड्डी है? 4 साल वड्डी है। इस भरा तो आ भैन किन्ने साल वड्डी है? 4 साल वड्डी है। हुण पिछली लाइन पढ़ो भी जो भैन का जन्म होया सी तां पिता की उम्र किन्नी सी? 28 साल। जो भैन का जन्म होया सी, पिता की उम्र किन्नी सी? 28 साल। बस इन्ना काम आपां करना सीगा। हुण आंसर तुहाडा आ जाऊगा। देखो आंसर की है अपने कोले, आंसर पुछा की अपने कोले, पुछा यह होया, पुछा होया व्हाट वर द एजेस ऑफ रविज फादर एंड मदर। रवि दे फादर ते मदर दी एज कदों किन्नी होगी जदों उन्हां दा भरा पैदा होया सी? मीनस जदों उन्हां दा भरा, रवि दा भरा जदों पैदा होया सी, उदों फादर किन्ने साल दा सी ते मदर किन्ने साल दी सी? ध्यान नाल देखो, रवि सब तो छोटा, जे रवि सब तो छोटा है तो रवि सब तो लास्ट ते पैदा होया सी। जे रवि लास्ट ते पैदा होया सी, रवि तो 3 साल पहला कौन पैदा होया? उहदा ब्रदर पैदा होया। तां मां दी उम्र, मदर दी उम्र अपने कोल इत्थों आ जाऊगी। किवें आऊगी? देखो जे मदर इत्थे 26 साल दी है, रवि का ब्रदर रवि तो 3 साल वड्डा है, इहदा मतलब इस टाइम मदर किन्ने सालों की हुई होगी? फिर 3 साल मदर की उम्र चो घटा देंगे आप, क्योंकि 3 साल बाद रवि पैदा होया, इहदा मतलब 3 साल की उम्र उस टाइम की होगी? घट होगी। जे 3 साल घट होगी तो मदर की उम्र की आ गई? जो ब्रदर पैदा होया उस टाइम मदर किन्ने साल की सी? 23 साल की। तो 23 साल मदर की उम्र एक बिच पिया, ये मेरा की आ जाऊगा आंसर। दूसरा मैंने देखने की लोड़ भी है नहीं। हाँ, 23 साल जो होर विच पिया हुंदा फिर आपां नूं फादर की उम्र भी कढ़न की लोड़ पैंदी, पर आपां नूं लोड़ है नहीं गी। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिर्फ मदर की उम्र पुछी हुई सी, तां मदर की उम्र किन्नी आ गई? 23 साल जदों ब्रदर पैदा होया सी। हुण आपां की देखते हाँ कि फादर की उम्र किवें कढ़ांगे। आ देखो, जदों सिस्टर पैदा होई सी, फादर की उम्र किन्ने साल? 28 साल। सिस्टर सब तो वड्डी है, इहदा मतलब जदों ब्रदर पैदा होया उदों फादर की उम्र किन्नी होगी? तो ब्रदर 4 साल बाद पैदा होया तो फादर की उम्र भी 4 साल वध जूगी। 28 तो 4 किन्नी हो जूगी? 32 साल। तो जदों ब्रदर पैदा होया रवि का, उदों फादर 32 साल का, मदर किन्ने साल की? 23 साल की।